भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व का खिताब दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के 17वें सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके की कमान सौंपी गई थी। धोनी के अचानक कप्तानी छोड़ने के फैसले ने सभी को हैरत में डाल दिया था। अब इस मामले में यूनिवर्स बॉस के नाम से प्रसिद्ध क्रिस गेल का भी बयान सामने आया है। गेल ने बताया कि धोनी शायद आईपीएल के इस सीजन में बीच बीच में ब्रेक लेंगे, जिस कारण इस दिग्गज खिलाड़ी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। गेल ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, धोनी शायद सभी मुकाबले नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि टूर्नामेंट के दौरान धोनी थोड़ा ब्रेक लें, इसलिए हो सकता है कि धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया हो। लेकिन एक बात तय है कि धोनी इस सीजन अच्छा करेंगे और इसके लिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गेल का बयान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी और सीएसके के बीच शुक्रवार को खेले गए मैच के दौरान आया। गेल से पहले भी कई खिलाड़ी धोनी के कप्तानी छोड़ने के बारे में अपनी राय रख चुके हैं। हर सीजन की तरह इस बार भी संभावना तेज है कि धोनी आईपीएल के मौजूदा सत्र के बाद इस टूर्नामेंट से संन्यास ले लेंगे। धोनी 2008 से ही आईपीएल से जुड़े हुए हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया था कि धोनी जल्द ही आईपीएल को अलविदा कहेंगे। हालांकि आरसीबी के खिलाफ 17वें सीजन के पहले मुकाबले के दौरान धोनी मैदान पर उसी तरह नजर आए जैसा वे रहते हैं। धोनी ने विकेट के पीछे उसी तरह की तेजी दिखाई जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। धोनी ने आरसीबी की पारी के अंतिम ओवर की आखिरी गेंद पर अनुज रावत को जिस तरह डायरेक्ट हिट लगाकर आउट किया, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। धोनी मैदान पर कई बार अपनी दरियादिली से लोगों का दिल जीत चुके हैं। आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। आरसीबी के खिलाफ मैच से पहले जब अभ्यास सत्र चल रहा था, उस समय धोनी सीएसके के सपोर्ट स्टाफ की मदद करते दिखे। सपोर्ट स्टाफ खिलाड़ियों की ड्रिंक मैदान से बाहर ले जा रहा था और इस दौरान धोनी ने उनकी मदद की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ और लोगों ने सहायता करने के लिए माही की खूब प्रशंसा की। धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ पर टीम की कमान संभालने का जिम्मा था। कप्तान के तौर पर पहले मैच में ऋतुराज टॉस हार गए थे। फाफ डुप्लेसिस ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और टीम को तेज शुरुआत दिलाई। उस वक्त लगा कि आरसीबी इस मैच में बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान ने डुप्लेसिस को आउट कर सीएसके को पहली सफलता दिलाई और इसके बाद आरसीबी की लय बिगड़ गई। चेन्नई ने 174 रन के स्कोर को आसानी से अपने नाम किया और ऋतुराज की कप्तानी में सीएसके ने जीत से आगाज किया।